अभी सब्सक्राइब कीजिए माय टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आप तक पहुंचा सकें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इको इफेक्ट के बारे में। जिस तरह के अभी आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं, इस तरह के फोटो आप अपने फ़ोन से ही बना सकते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा आपको करना भी नहीं होगा। तो चलिए टाइम ना ख़राब करते हुए बता देता हूँ आपको कि किस तरह से आप इस तरह का फ़ोटो अपना भी बना सकते हैं। इस तरह के इफेक्ट के लिए फ्रेंड्स आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल कर चुका हूं, तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस फोटो को क्रिएट कर सकेंगे। तो इसके लिए सिंपल है, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम स्टार्ट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। उसमें से जो भी फोटो में हमें ये इफेक्ट देना है तो उस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिंपल मैंने यहाँ से ये फोटो को सिलेक्ट कर लिया और इस फोटो को क्रॉप कर लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें टू ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो इको है, दूसरा मिरर। लेकिन यहाँ पर अपने फोटो को मिरर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमें अपने फोटो में इको इफेक्ट डालना है। तो यहाँ पर हम इको पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद सिंपल यहाँ पर हमें इस फोटो को यहाँ से कट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल मेथड है, यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद डन पे क्लिक कर देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उस तरह का इफेक्ट हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं, हम इसे तरह तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड की। तो आप चाहें तो यहाँ से किसी भी बैकग्राउंड को अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिरर का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके काफ़ी सारे इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक फ्लिप का ऑप्शन दिया गया है और इसके बाद यहाँ पर हमें एक इरीज का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाई चांस अगर आपका फ़ोटो ठीक तरह से कट नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपने फ़ोटो को और ठीक तरह से इरीज कर सकते हैं, उसे क्लियर करके यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने पूरा एक फ़ोटो एडिटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ से हम अपने फ़ोटो को काफ़ी आसानी से इरीज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम चाहें तो किसी भी इफेक्ट को इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसे सेव कर लेते हैं। तो चलिए सेव पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, फोटो हमारा सेव अब हो चुका है। तो चलिए इसे गैलरी में एक बार चेक करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फोटो कुछ इस तरह से बन चुका है। तो इस तरह का फोटो आप बड़ी ही आसानी के साथ केवल 2 मिनट्स में बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कटिंग किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी क्लियर कटिंग होगी फोटो की, तभी आपका फोटो अवेशम क्रिएट होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।